नमस्कार दोस्तों नित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं विनोद कार्तिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक नया बैच अपने नित्या क्लासेस के माध्यम से यानी कि हम और हमारी टीम पूरी जैसा कि आप जानते ही हैं एक नया बैच ले शुरू करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का जैसे कि आपको पता है कि इसकी वैकेंसीज आपके सामने आ चुकी हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तो एक नया बैच लेकर आ रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग हो रही है वो अब छः नवंबर से यानी कि छह नवंबर 2020 से यानी कि दो दिन के बाद इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस बैच को हम नित्या क्लासेस पर लेकर आए लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई नित्या क्लासेस के साथ जो टी जी टी पी है हम उसको ज्वाइन क्यों करें नित्या क्लासेज 2020 के लिए जो नित्या क्लासेज है हम उसी को ज्वाइन क्यों करें क्यों चुने क्या हमें इस पर एक्स्ट्रा मिलने वाला है इस बार इस बार में क्या एक्स्ट्रा लेकर आए हैं मैं थोड़ा साइड हूं बिल्कुल आपके सामने यहां ऐसे देख सकते हैं ठीक है इसी को क्यों चुनना है तो बात करते हैं पहला पॉइंट इसको चुनने का पहला पॉइंट पहला रीजन आपके सामने सबसे पहले थ्योरी की क्लास आपको होगी यानी कि थ्योरी कराई जाएगी सबसे पहले आपको मिलेगी थ्योरी यहां पर आपको थ्योरी मिलती है जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है चैप्टर कंप्लीट होने पर क्वेश्चन कराए जाएंगे रीजन नंबर दो रीजन नंबर दो चैप्टर कंप्लीट होने पर क्वेश्चन कराए जाएंगे नेक्स्ट की बात करते हैं बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि रीजन नंबर तीन आपके सामने है प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका यह अलग से होगा उसके बाद क्या होगा क्योंकि इस बार हमने बीड़ा उठा लिया है कि आप लोगों को इस एग्जाम को क्वालिफाई कराना ही कराना है उसके बाद यूनिट टेस्ट यानी कि जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट होती है जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट होती है एक टेस्ट यूनिट टेस्ट होगा आपका एक यूनिट टेस्ट होगा चाहे कोई भी वर्किंग डे हो यानी कि एक तो आपका चैप्टर कंप्लीट पर टेस्ट हो गया पहला दूसरा टेस्ट कब होगा जब आपकी यूनिट कंप्लीट होगी चाहे उसमें एक दिन पहले ही टेस्ट क्यों ना हुआ हो लेकिन फिर भी टेस्ट टेस्ट होगा होगा, ही होगा, आपको टेस्ट देना ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने थाना है आपको इस बार में आपके टीजीटी पीजीटी को क्वालिफाई कराना ही कराना है इसके बाद रीजन नंबर सिक्स अगर रीजन नंबर नेक्स्ट की बात करते प्रत्येक कक्षा के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रत्येक कक्षा के नोट पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेजे जाएंगे ये पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं उसके बाद रीजन नंबर सेवन की बात करते हैं रोजाना प्रैक्टिस टेस्ट होगा जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे यानी कि कॉमन एक कॉमन टेस्ट होगा आपका जो डेली बेसिस पर होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें होंगे यानी कि जैसे अब हम टेस्ट देते हैं आपको एक नॉर्मल टेस्ट हमारा आता है ऐसे ही जो आएगा वो आपका टीजीटी पीजीटी के लिए आएगा जिसमें नॉर्मल जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड ही डेली के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि इतने सारे पॉइंटों के बीच में इतनी सारी शर्तों के बीच में और जो फैकल्टी को लगा रहे हैं हम जो फैकल्टी लेकर आ रहे हैं सारी फैकल्टी को बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक तरीके से मंझी हुई फैकल्टी आपके लिए यहां पर मिलने वाली है है ठीक तो इन चीजों को अगर देख रहे हैं ये किसी भी चैनल वाला आप लोगों को शायद ना दे पाए इतनी चीजें सब लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं इस चीज को आपको दे रहा हूं और दूसरा एक चीज क्योंकि टीजीटी पीजीटी की यहां पर बात हो रही है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका एक बार जो एजुकेशन बैकग्राउंड है कि उसने क्या क्या किया हुआ है उसको भी जरूर चेक कीजिएगा मैं इस बात का पर्सनल सजेशन आपको दे रहा हूं मैं वैसे किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसका जो पढ़ाने का जो बैकग्राउंड है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है उसको जरूर देखें कि ऐसा नहीं हो कि जैसे एक बार आ, एक यूनिवर्सिटी का एक केस हो गया था कि कक्षा चार वाला बच्चा और ग्रेजुएशन की कॉपी चेक कर रहा है वो वो सिस्टम सामने निकल कर नहीं आना चाहिए हालांकि मैंने इसको दोबारा 2007 दो के आसपास की बात है तो वो मैं रिवाइज करा दिया एक बार पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं आपकी उसको आप जानते हैं तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता किसी बात को उसको नहीं कह सकता बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों मिलते हैं छः नवंबर को टीजीटी पीजीटी के एक नए बैच के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत